कई लोग काजू कतरी बनाते हैं तो बनाते समय उनकी काजू कतरी हार्ड हो जाती है या ड्राई हो जाती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक काजू कतली मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि कितना नरम एंड परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और इसका टेक्सचर कितना अच्छा हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा काजू कतली जो हलवाई लोग बनाते हैं वैसा दिख रहा है। इसके टूटने के तरीके से तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। वीडियो में तो वैसे ही आप दिखा सकती हूँ, आप पास आते हो मैं आपको खिला कर भी दिखा सकती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे परफेक्ट बनाना कैसे है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा फूड वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने काजू कतली बनाने के लिए 500 ग्राम काजू लिया है। आप बाज़ार में टूटा हुआ काजू मिलता है वो भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन मेरे यहाँ यही था तो मैं इसी से बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर टोटल आधा किलो काजू लिया है और हम इसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। तो एक बात का विशेष ध्यान देना है कि मिक्सर जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा काजू का पाउडर लंपी हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार में आधा ही काजू पीस लूँ ताकि हमारा काजू बारीक पीस जाए और फाइन पाउडर बन जाए। ये देखिए मैंने आधा काजू को पीस लिया, अब देख सकते हैं कि काजू का कितना फाइन पाउडर बन चुका है। और अब इसी तरह से बचा हुआ भी काजू को पीस लेंगे और उसका भी फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरे आधा किलो काजू को पीस लिया है और हम चलते हैं इसका काजू कतली बनाने। मैंने यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए 200 ग्राम पानी लिया है और अब हम इसमें 400 ग्राम चीनी डालेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए। अब हमारी चीनी पूरी तरह से चाशनी में घुल चुकी है और 2 मिनट बॉयल होते हुए हो चुका है और अब हम इस स्टेज पर काजू के पाउडर को डाल देंगे। चाशनी में तार वाली कंसिस्टेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि पूरी तरह से गाढ़ी ना हो जाए और काजू अच्छी तरह से पक ना जाए, यानी 10 मिनट लगातार पकाएंगे। मैंने इसे इतना गाढ़ा कर लिया है ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है। इसे पकाते हुए हमें 10 मिनट के करीब हो गए हैं और यही बेस्ट स्टेज है गैस को बंद कर देने का और इसे गैस से नीचे उतार देने का। उतारने के बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही ये बिल्कुल आटे के डो जैसा हो गया है और टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा लगे। तो बर्फी बनाने के लिए हमें इसे रोल करना है, तो हम इसे एक बोर्ड पर निकाल लेंगे रोल करने के लिए। आप चाहे तो थाली में भी निकाल कर बर्फी का शेप दे सकते हैं, रोल कर सकते हैं काजू कतली का शेप देने के लिए। तो सबसे पहले हम मिक्सचर को रोल करके लंबा कर लेंगे, फिर इसे हाथ से इवनली फैला लेंगे, फिर बेलन से रोल करेंगे। इसे हमें रोल करके एक शीट जैसा बना देना है। आप इसकी थिकनेस को अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं और जो साइड का पार्ट है हम इसे कट कर लेंगे ताकि हमारा काजू कतली का शेप बराबर बने, इसलिए हम इसे साइड से काट देंगे। वैसे इसे आप दोबारा बेलकर काजू कतली भी बना सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं या लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल बाहर जैसा आने वाला है, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने काजू कतली को बाहर का लुक देने के लिए चांदी का वर्क लिया है और हम इसे चांदी के वर्क से कवर कर देंगे, यानी चांदी का वर्क इसके ऊपर चिपका देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से। चांदी का वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम इसे कट करेंगे, तो आप देख लीजिए काजू कतली के परफेक्ट शेप लाने के लिए किस तरह से कट करना है। काटते समय काजू कतली को बिल्कुल चाकू को सीधा रखें एंड प्रेशर लगा कर काटें ताकि काजू कतली स्मूथली कटे और शार्प एज जाए। ये देखिए मैंने सारे काजू कतली को कट कर लिया और कितना टेम्पटिंग लग रहा है हमारा काजू कतली। अब हम इसे किसी प्लेट या ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा काजू कतली बनकर तैयार हुआ है। ये काजू कतली देख करके आपको लग रहा है कि मार्केट का नहीं है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा काजू कतली। तो कैसी लगी आज की हमारी काजू कतली की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।